कल हमने चैप्टर नंबर 25 तक पढ़ लिया था और आज चैप्टर नंबर 26 to 30। चैप्टर नंबर 15 to 20 एरेज के बारे में, 21 to 25 स्ट्रिंग्स और इसके मेथड्स के बारे में, चैप्टर नंबर 26 to 30 नंबर्स इंटीजर्स एंड डेसिमल्स के बारे में। ओरिजिनल नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 5.12345। तो 2 5, लेट सपोज 25 रुपए कुछ पैसे हैं, ये आपके उसमें भी ऐसे ही होता है, मार्ट वगैरह में कोई चीज़ वगैरह हम परचेज करते हैं और पैसों में वैल्यू आ जाती है, तो पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाती है, लेकिन जाहिर सी बात पैसों में तो नहीं हम पे कर सकते हैं। तो इसको किस तरह किया जा सकता है? हमने 2 5.12345 लिखा, तो इसको राउंड किया जाता है, नंबर्स को राउंड अ नंबर करें तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट को ख़त्म कर देगा और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है, ठीक है, 25 रुपए 12 पैसे ये बन रहे हैं, तो नियरेस्ट जो होगा 50 से कम तक, 50 से कम तक वो नीचे की तरफ जाएगा, 50 या 50 से अबव हो तो वो अप की तरफ मूव कर जाएगा। लाइक 25.49 करें तो ये 25 ही है, 25.5 करते हैं तो ये आपको 26 रिटर्न कर देगा, कि 25 रुपये 50 पैसे हो तो 26 रुपये बन जाएंगे, तो ये राउंड का नंबर। अब 25.5 सीला नंबर, फ्लोर नंबर, ये राउंड का नंबर क्या करता है? नियरेस्ट इंटीजर को देखता है। सीला नंबर क्या कहता है? हमेशा अप की तरफ देखता है। अगर ये 25.5 है तो ये अभी भी 26 ही रहेगा, लेकिन अगर आप फ्लोर का नंबर करें तो ये नीचे की तरफ वैल्यू जाती है, तो ये 25 रह जाएगा। सील आपका जो जिसका छत होती है, सीलिंग होती है, अप की तरफ जाएगा और फ्लोर जमीन को कहते हैं, ये नीचे की तरफ आएगा। अगर आप 25.01 कर दें और सील का नंबर करें तो वो 26 की तरफ ही मूव कर रहा है, और अगर आप 25.99 भी कर दें और फ्लोर का नंबर करें तो ये 25 ही रहेगा, लेकिन राउंड का नंबर करें तो ये नियरेस्ट इंटीजर की तरफ जाएगा और नियरेस्ट जो है इसका 26 बनता है, तो ये 26 के पास जाएगा। इसका कोड क्या है? कोड देख लेते हैं। लेट नंबर इक्वल टू इनपुट वैल्यू। पहले हम क्या कर रहे थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, आप इसको आज ऐसे ही रहने दें। जो भी इनपुट टेक्स्ट की वैल्यू है वो स्टोर हो जाए नंबर में, और अगर नंबर नहीं है तो टोस्टिफाई हो जाए, प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये टोस्टिफाई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो कि हम आगे देखेंगे इसको, अभी के लिए अलर्ट की जगह हम नोटिफिकेशन इस तरह यूज़ करते हैं, और यहाँ से ही रिटर्न करते हैं। लेट राउंड द नंबर, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड, और उसके अंदर आप नंबर पास कर दें तो जो भी नंबर इसका नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो उस पे वैल्यूज की आ जाएगी। द वैल्यू टू बी राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर जो होगा ये उसको करेगा। मैथ डॉट राउंड राउंड करता है, मैथ डॉट सील सील करता है, और मैथ डॉट फ्लोर ये आपका फ्लोर नीचे की तरफ वैल्यू को लेकर जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, सील का मतलब कि अप की तरफ वैल्यू जाए, ठीक है। 25 आपका, ये 25 है, 26 आपका 26 ही, 25.1 भी अगर करें और सील होगा तो ये 25 की जगह ये अब आपका टॉप की तरफ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो अप की तरफ जाते हैं, और अप के बाद उसकी जो भी वैल्यू बनती है वो ही आ जाती है। 25.1 इक्वल टू आपका ये 26 बन जाएगा।
जी ठीक है। उसके बाद रैंडम नंबर, मैथ डॉट रैंडम, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं। मैथ डॉट राउंड के अंदर हमने नंबर पास किया, मैथ डॉट सील में भी नंबर पास किया और मैथ डॉट फ्लोर में भी नंबर पास किया, लेकिन मैथ डॉट रैंडम इसमें आप नंबर नहीं पास करते हैं। मैथ डॉट रैंडम करता क्या है, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है 0.000 से लेकर 0.999 तक। जीरो पॉइंट जीरो इसके दरमियान तक ये आपको वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। तो जीरो के बाद 16 to 18 डिजिट्स होते हैं, मैंने ये 17 लिखे हैं क्योंकि एवरेजली 17 होता है, लेकिन 16 to 18 तक ये आपके करेक्टर होते हैं। मैथ डॉट रैंडम में इसके दरमियान में कोई वैल्यू आएगी, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और इसके दरमियान भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे मैथ डॉट रैंडम ये फंक्शन पर चला दें, तो ये देखें ये हर बार एक यूनिक नंबर आपको जनरेट करके देगा मैथ डॉट रैंडम। तो इसी तरह ये आपका मैथ गेट अ रैंडम नंबर, तो आप जब जब फंक्शन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसमें आपको एक रैंडम नंबर, हम बहुत सारे काम ले रहे होते हैं, हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डाइस और आपका होता है आईडीज वगैरह हम जनरेट कर रहे होते हैं, वो इसकी मदद से ही कर रहे होते हैं। ओके, रैंडम नंबर की मदद से थ्रो अ डाइस, एक डाइस बनाते हैं, डाइस आपका जो लूडो में जो होता है, तो वो नंबर आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, डाइस बात से लेकर 6 तक। जब आप इसको थ्रो और डाइस करें तो ये देखें ये आपको 1 से 6 के दरमियान ही वैल्यू को रिटर्न करके देता है। अब इसका कोड है किस तरह, अच्छा हमने देखा 0.000 से लेकर 0.999 तक, अगर हम 0.000 को मल्टीप्लाई करें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 0 ही होगी। तो क्या 0 जो है वो लूडो में होता है, डाइस में नहीं होता, ठीक है। 0.000 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ये 0 ही। अब इसमें प्लस वन करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0.999 तक की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 6 से, ये 5.999 बनता है, प्लस 1 करते हैं तो ये 6.999 हो गया। हमें ये 6 चाहिए, हमें ये 6 चाहिए, तो इस 6 को कैसे गेट कर सकते हैं इसमें से, मैथ डॉट फ्लोर लगा देंगे तो इसकी वैल्यू जो आपको 6 रिटर्न हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 तो ये 1.74, मैथ डॉट रैंडम करें
ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 6। ये देखें ये 3.06 बन रहा है। इसमें प्लस वन कर दें 4.064 हो गया, और इसको जब आप फ्लोर करेंगे तो ये आपका 4 रह जाएगा। कोड क्या वो देख लें। रैंडम नंबर मैथडोट रैंडम की मदद से डाइस। सबसे पहले मैथडोट रैंडम करें, एक रैंडम नंबर आपको मिल जाएगा। रैंडम नंबर किसके बराबर है, रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस 1 कर दो। अब क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट पे नंबर थे तो मैथ डॉट फ्लोर कर दे रैंडम नंबर, वो आपका डाइस एक बन जाएगा। इस तरह से आपका डाइस बनता है, क्योंकि 0.00 हम करते हैं, 0.000 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो इसमें 0 ही रहना है, तो डाइस में 0 तो नहीं आता, इसलिए आप प्लस 1 करते हैं और फिर नीचे जाके मैथ डॉट फ्लोर लगाते हैं। आपकी वैल्यू कभी भी 0 में ना आए। रैंडम स्ट्रिंग, ये रैंडम स्ट्रिंग जो है आपका है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने के लिए, तो इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे जनरेटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को। हाँ जी, वो मेरे हेडेक भी हो रहा है, तबीयत कुछ ठीक नहीं, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हम इसको कल इजीली ना ठीक उसने कहना है दवाई भी ना खाया करे इसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। चलो जी, जोक्स अपार्ट, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स। अच्छा, वैल्यू कोई भी आप ले इनपुट फील्ड से, आप कोई भी वैल्यू लें, आपको डेटा टाइप स्ट्रिंग ही मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर की जो वैल्यू है, हमारे पास ये है 251.925486, 251.925486। अगर आप इसको मैथ डॉट रैंडम करें, मैथ डॉट रैंडम करें, तो ये क्या वैल्यू बनेगी इसकी, आ जाएगा। मैथ डॉट सील करें तो क्या बनेगा, ठीक हो गया, और मैथ डॉट फ्लोर करें तो 250। फ्लोर का मतलब नीचे की तरफ आ जाओ, तो इसके फ्लोटिंग पॉइंट जब वो खत्म हो जाएंगे और ये आपका ये सिर रह जाएगा। नहीं, आपका ये देखें ना, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर यूज हुआ है अभी आपके सामने। डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है और वर्किंग क्या होगी। डॉट सी आपके पास 252 आ जाएगा। फ्लोर करेंगे तो टू फाइव वन रह जाएगा। अच्छा, ये आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से नंबर में अगर कन्वर्ट करना है किस तरह पॉसिबल है, आप सिंपल एक तरीका है, पुराना जो तरीका है पार्स इंट है, ठीक पार्स इंट कर दें, पार्स इंट में नम को पास कर दें, तो ये क्या करेगा, एक तो फ्लोटिंग पॉइंट्स खत्म कर देगा और सिर्फ ये जो चीज़ है इंटीजर वैल्यू सिर्फ उसको ही रिटर्न करेगा। 251.925486 को अगर आप पार्ट्स इंट करते हैं तो रिटर्न में आपको ये 251 रिटर्न करेगा बस। लेकिन अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स भी चाहिए, पार्ट्स इंट की जगह आप पार्ट्स फ्लोट यूज करेंगे, तो
पार्ट्स फ्लोट क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट भी कर देगा और आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यूज भी आ रही होंगी। एक तरीका जो है लेटेस्ट जो है, क्योंकि नंबर कोई भी हो कैसा भी हो, हम मोस्टली पूरी ही वैल्यू ले रहे होते हैं, तो वो है नंबर। नंबर में आप उस नम को भेज दें जो कि स्ट्रिंग में, जैसे डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, ये नंबर में रिटर्न कर देगा। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है वो आपके पास इस टाइम ये 6 फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, आप चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज में ही रह जाए। ठीक है जी, आप सिर्फ 2 वैल्यू में रहते, तो इसको आप, अच्छा, मैथ डॉट फ्लोट टू, अच्छा ये जो है ये आपको नंबर में वैल्यू चाहिए होगी। टू फाइव 251.13 आ जाएगा ये। जब आप इसको टू फिक्स करेंगे, टू फिक्स का मतलब, और उसमें जो भी वैल्यू पास करेंगे पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो पॉइंट्स के बाद 1 2 है, ये लास्ट डिजिट जो है वो उससे अपने नेक्स्ट डिजिट को देखेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर तो 5 है या 5 से अबव है तो वो अपने में एक प्लस कर लेगा, अगर ये 5 से कम है तो वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। तो मीन्स कि ये भी एंड पे जाके राउंड होता है, नियरेस्ट इंटीजर की तरफ मूव कर जाता है। तो ये 251.125 है, तो ये आपका 1 3 बन जाएगा। लेकिन अच्छा, टू फिक्स जो है ये आपका सिर्फ नंबर के साथ ही चलता है, नंबर को ही आप टू फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप टू फिक्स करते हैं तो ये वैल्यू को दोबारा स्ट्रिंग में रिटर्न कर देता है। और अगर स्ट्रिंग में ही हो, अगर स्ट्रिंग में ही हो तो फिर आप इसको दोबारा से नंबर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें नंबर में वैल्यू चाहिए होती है। तो ये आपका पार्स इंट, पार्स फ्लोट और नम और फिर टू फिक्स्ड। जी क्लियर है ना? ओके जी, कन्वर्टिंग कंट्रोलिंग लेंथ है। हाँ जी, बस ये 2 3 ही है, इसमें और क्या है। अच्छा, कंट्रोलिंग लेंथ है। लेट्स सपोज यूजर ने नंबर आपको दे दिया 251.125, सबसे पहले उसको, अच्छा ये वही टू फिक्स आ गया आपका दोबारा से, कंट्रोलिंग लेंथ वही है, टू फिक्स वाला ही है, 251.125 है। सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद टू फिक्स आप कर देंगे टू, तो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये आपको 251.13 रिटर्न कर देगा। और यहाँ तक डाटा टाइप आपके पास स्ट्रिंग है, आपने उसको दोबारा नंबर में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स सपोज जीएसटी कैलकुलेट करनी है, जीएसटी कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास कैलकुलेट जीएसटी 1100 रुपये, कैलकुलेट जीएसटी टैक्स रेट कितना है, लेट्स सपोज 17 हम कहते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि आपका बिल जो है 1100 रुपये था, टैक्स 17% है, 1100 रुपये का 17% जो वो 187 रुपये बना, और टोटल अमाउंट जो है इंक्लूडिंग टैक्स वो आपके पास 1287 रुपये बन गए, 1100 जमा 187, 1287। तो ये कैसे पॉसिबल है, या क्या लॉजिक लिखा है हमने, सबसे पहले कॉस्ट ले ली, अगर कॉस्ट नहीं है तो रिटर्न कर दो। कॉस्ट किसके बराबर है, नंबर के बराबर, और
और नंबर में गया कॉस्ट है, तो मींस के आपके पास जो स्ट्रीक में वैल्यू थी अब वो आपके पास नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, टैक्स निकाल रहे हैं। तो टैक्स कैसे होगा, सबसे पहले टैक्स इनपुट ले लें, जो भी वैल्यू आएगी स्टोर हो जाएगी टैक्स इनपुट में। कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो टैक्स इनपुट, मींस के अगर यूजर 17 ऐड करता है, 17 को डिवाइड कर दे 100 पे, 17 डिवाइड बाय 100, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर करते हैं तो ये आपका 170 रुपये बन जाएगा, कि 170 रुपये टैक्स 1000 रुपये में। तो ये टैक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जो भी वैल्यू हो उसको 100 से डिवाइड करते हैं और उसकी कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या बन गई, कॉस्ट प्लस टैक्स, और मैथ डॉट राउंड कर दिया, नियरेस्ट इंटीजर के पास टोटल कॉस्ट चली जाएगी, और साथ ही आपको ये आउटपुट में ये कुछ चीज़ें भी दिखा दी कि आपका बिल कितना बनता है, जिसमें कॉस्ट है, फिर टैक्स का बता दिया, टू फिक्स कर दिया टू पे, और टोटल कॉस्ट आपको बता दी गई। तो ये कोड है इसका सिंपल सा। जी क्लियर है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, ये हाँ जी, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स का मतलब कि आपके पास ये जो वैल्यू जो है उसको नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर, ये एक्चुअल में होना चाहिए कि स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है वैल्यूज को। आप पार्ट्स इंट कर सकते हैं, पार्ट्स फ्लोट कर सकते हैं, और नंबर जो इसका है फंक्शन वो यूज कर सकते हैं ये वाला। इस नंबर के अंदर अगर आप वैल्यू को नंबर को अगर वो स्ट्रिंग में नंबर है उसको पास करें तो नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जी आप क्या कह रहे हैं, कौन सा, ये लिखा हुआ है पार्ट्स इंट करते हैं, बेशक पार्ट्स फ्लोट करते हैं या नंबर करते हैं। पार्ट्स इंट क्या डेटा टाइप नहीं है, एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करता है वैल्यू को। वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, पासवर्ड जो जनरेट होता है वो कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करते हैं। जी क्लियर है इतना जितना हमने कर लिया है, ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आप लोग सकते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये आप लोग कोडिंग करें, इसकी प्रैक्टिस करें, खासतौर पर उजाफा दीप भाई, ठीक है जी, जजाकअल्लाह।